एंटी करप्शन टीम ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सिपाही को किया गिरफ्तार। थाना बिलारी में तैनात सिपाही कौशल को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ किया गया गिरफ्तार। पीड़ित किसान मितेंद्र यादव ने एंटी करप्शन विभाग में दरोगा रवि प्रकाश व सिपाही कौशल पर दूसरे पक्ष द्वारा उसके विरुद्ध लिखवाए गए मुकदमे में से नाम निकालने के बदले रिश्वत मांगने का लगाया था आरोप। दरोगा रवि प्रकाश ने नाम निकालने के नाम पर सिपाही कौशल को दिलवाए रिश्वत के 15,000 रुपए। मुख्य आरोपी दरोगा रवि प्रकाश मौके से हुआ फरार। एंटी करप्शन प्रभारी ने पीड़ित किसान मितेंद्र यादव को 15,000 रुपए के रिश्वत वाले पाडोल लगे नोट देकर बिछाया था जाल। दूसरे पक्ष ने पीड़ित के विरुद्ध 15 सितंबर को कराया था केस दर्ज, जबकि पीड़ित किसान ने 2 सितंबर को गांव के 4 लोगों के विरुद्ध पहले ही केस दर्ज कराया था। पुलिस की इस कार्यवाही से किसान मितेंद्र यादव को संतुष्टि नहीं हुई थी। पीड़ित से जब रिश्वत मांगी गई तो उसने एंटी करप्शन विभाग में शिकायत कर कार्यवाही की थी मांग। एंटी करप्शन टीम ने थाना बिलारी से आरोपी सिपाही कौशल को किया गिरफ्तार। कोतवाली बिलारी का मामला। मितेंद्र यादव, भारतीय जनता पार्टी से हूँ, शक्तिकंद संयोजक हूँ मैं। क्या मामला था, क्या शिकायत थी? शिकायत ये थी, मेरे दो बच्चों के नाम इन्होंने जबरदस्ती फर्जी मुकदमा लिखा था मेरे खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ। किसने? दरोगा जी ने, रवि प्रकाश ने। रवि प्रकाश कौन से थाने का? थाना बिलारी। फिर क्या हुआ, आज क्या हुआ? आज ये हुआ, पैसे मांगे थे इन्होंने मुझसे 40,000 रुपए। किसने? दरोगा जी ने। नाम है? रवि प्रकाश। अच्छा, फिर? तो मैंने बात करी उनसे, मेरे साथ कुछ कम कर लो। तो बोले भाई 20,000 में बात हो गई थी, 20,000, 5,000 तो मुझसे ले ली थी, रसद के दिन उन्होंने। आज आया मैं तो मुझसे बोले कौशल से मिल लो आप जाकर। कौशल कौन है? दीवान जी हैं, बिलारी में। जी जी, इन्हों को दिए थे। तो अब क्या हुआ, आपको मुकदमा लिखा गया आपकी तरफ से? क्या हुआ मुकदमा? मेरी तरफ से लिखा था 2 तारीख, आज भी लिखा गया। आज क्या मुकदमा लिखा हुआ है? जब पकड़े गए तो मुकदमा लिखा गया। विवाद हुआ था किस साथ? विवाद कुछ नहीं था, बच्चों का झगड़ा था। मेरा मुकदमा लिखा था 2 तारीख में, इन फर्जी रोकती करा के मेरे खिलाफ 4 तारीख मुकदमा लिखा है आपके खिलाफ। जी, आज जो पकड़ा गया है किसको पकड़ा गया? आज कौशल कुमार है, दीवान जी। 15,000 कहाँ पे पकड़े गए? बिलारी कोतवाली मंदिर। बिलारी कोतवाली। जी सर, बिलारी में एक कॉन्टेक्ट ट्रैक हुए हैं, और कितने रुपए की रिश्वत ले रहे थे, और क्या प्रोग्राम था, किस प्रोग्राम के चलते रिश्वत की डिमांड की? हमारे यहाँ शिकायतकर्ता मितेंद्र सिंह जो कि यहाँ आ रहे थे, शिकायत किया उन्होंने कि हमसे जो है रिश्वत के रूप में पैसे मांगे जा रहे हैं, और आज वो 15,000 रुपये देने के लिए गए थे। और शिकायतकर्ता की दरोगा जी से बात हुई थी, जो रवि प्रकाश नाम के दरोगा जी हैं, इनसे बात हुई थी, तो ये इनको पैसे देने के लिए थाने में गए थे। हमारी टीम को इन्होंने बताया, टीम यहाँ अपना गठित हुई और नियमानुसार टीम बन करके सारा गवाह आदि लेकर के डीएम साहब के यहाँ से और टीम रवाना हुई, और थाने के अंदर ही इनको 15,000 रुपया रिश्वत देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। जिसमें जो है दरोगा जी, तो दरोगा जी ने अपने हेड कांस्टेबल के लिए कहा कि पैसे इनको दे दो, और वो दरोगा जी वहां से मौके से भाग गए, और मुख्य आरक्षी जो है कौशल कुमार रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए, जो इन्हीं के बीट में ये हेड कांस्टेबल के रूप में है, इनको गिरफ्तार किया गया। दरोगा जी मौके का फायदा उठा करके कहीं भाग गए। अच्छा, जो पैसों की डिमांड की गई थी वो किस एवज में की गई थी? वो एक मुकदमे की विवेचना कर रहे थे दरोगा जी, तो वो मुकदमा अपराध संख्या 575/24 है, और उसकी ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो उसमें इन्होंने 2 बच्चों के नाम निकालने के नाम पे पैसों की मांग की गई थी, और आज शिकायतकर्ता के पास 15,000 रुपये थे जिसे वो लेकर इनको देने गया था, और उसी समय जो है पैसे देते हुए रंगे हाथ हमारे एंटी करप्शन टीम द्वारा पकड़ा गया। अच्छा, जो मुकदमा आपको लोगों द्वारा लिखाया जा रहा है, तो क्या जांच में वो दरोगा जी भी शामिल किया जाएगा? नहीं, दरोगा जी तो शामिल है ही हैं, मतलब अब ये तो इनके हलके के दीवान जी थे, तो इन्होंने कहा कि पैसा जो है इनको दे दो, दीवान जी को, तो दीवान जी को दिया गया, दीवान जी ने रंगे हाथ, दीवान जी भी सम्मिलित हैं, उसी हलके के हैं, तो पैसे को दीवान जी ने लिया, और जब दीवान जी ने पैसा ले लिया, इन्होंने शोर शराबा सुना दरोगा जी ने, तो ये धीरे से भाग गए कि हम भी पकड़े जाएंगे, तो दरोगा जी तो सम्मिलित इसमें है ही, और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।